हरियाणा राज्य के ही जिला कुरुक्षेत्र के गांव रामनगर में स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, जहां पर अत्याधुनिक एक मौन पेटी का निर्माण इकाई स्थापित की गई है। इस इकाई में विभिन्न प्रकार की आधुनिक मशीनरी द्वारा पेटिका का निर्माण किया जाता है। ये जो बक्सा आप देख रहे हैं कि ये फुल सुपर का बक्सा है, जिसमें दो चीजें रहती हैं कि सबसे पहले नीचे ब्रूड चैम्बर रहता है, उसके बाद उसमें फुल सुपर का एक बक्सा रहता है। ये कवर है जिसको आप देख रहे हैं, जिससे कि हम उसको बक्से को ढकते हैं। उसके बाद जो आप देख सकते हैं ये इनर कवर है, जिससे कि मक्खियों को अपना जो तापमान है उसको बनाए रखने में उसको मदद मिलती है। ये आप सेलो बॉक्स देख रहे हैं, जिसमें हम सेलो बीहाइव हमने लगा रखे हैं फ्रेम्स एक बॉक्स में। ब्रूड चैम्बर में भी 10 फ्रेम रहते हैं और सेलो सुपर में भी 10 फ्रेम रखे जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि बीकीपर्स जो है अपने शहद को सेलो फ्रेम्स या कुंभ हनी के रूप में अपने हनी को सेल कर सकता है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे दोनों बक्सों को के बीच में हम एक यहाँ पे जाले लगाए जाते हैं, जिसको हम क्वीन एक्सक्लूडर कहते हैं। एक जो किसान है वो 50 बक्से की सब्सिडी इस सेंटर से प्राप्त कर सकता है, और एक बक्सा जो जिसमें उसको फार्मर शेयर देना पड़ता है वो 540 रुपये प्रति बक्से का किसान का हिस्सा उसके हिस्से में आता है। तो यदि वो 50 बक्से लेना चाहता है तो उसके 27,000 रुपये उसको 50 बक्सों के यहाँ पे आके जमा कराने पड़ते हैं। लेकिन अब जो आप बक्सा देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा ब्रूड चैम्बर है और जो सुपर वाला बॉक्स है उसके जो हाइट होती है वो सेम होती है। 2410 रुपये का एक बॉक्स पड़ता है वो फुल कीमत उसकी, और उसके ऊपर 1700 रुपये की सब्सिडी है, और किसान को वो 710 रुपये का एक बक्सा यहाँ पड़ता है। और एक किसान ज़्यादा से ज़्यादा 50 बक्से 5 साल के दौरान ले सकता है। तीसरा जो बीहाइव आप देख रहे हैं उसको मेटिंग न्यूक्लियाई बोलते हैं, जिसकी कीमत 810 रुपये कीमत है उसकी। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो रानी मक्खी को जब हम उसको कहते हैं कि उसकी मेटिंग करानी पड़ती है, उस पर्पज़ के लिए हम इस बक्से को यूज करते हैं। जैसा कि आप हमारे सेंटर पे देख रहे हैं IBDC पे, यहाँ पे केवल कैल की लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है इन बक्सों को बनाने के लिए। उससे क्या फ़ायदा कि एक तो बीज को ज़्यादा अच्छी लगती है इस लकड़ी की स्मेल, वो अच्छा काम करती है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट है वो। फिर आती है इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात, कि बक्सों की जो लाइफ है, यदि हम कैल की लकड़ी के बनाते हैं तो उसमें बक्सों की जो लाइफ है लगभग 5 साल से ज़्यादा ही उसकी लाइफ रहती है, और इससे किसान को उसका फ़ायदा मिलता है।